उत्तर प्रदेश में चल रही बसों की सियासत अभी तक थमी नहीं है। जी हां, कांग्रेस की ओर से दी गई सूची में बसों की जगह थ्री व्हीलर और टू व्हीलर के नंबर देने का आरोप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगाया गया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से स्पष्टीकरण ये दिया गया। जयपुर में पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यूपी के सह प्रभारी जुबैर खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो बसें कोटा से छात्रों को लेकर गई, ऑनलाइन ऐप पर उन बसों को थ्री व्हीलर ही दिखाया जा रहा है। जुबैर खान ने यह भी बताया कि यूपी सरकार राजनीति कर रही है। इस दौरान जुबैर खान से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश कसाना ने। की बसों को प्रवेश नहीं मिलने के बाद सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ हैं एआईसीसी के सचिव और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जुबैर खान साहब। खान साहब, पूरा प्रकरण क्या है? दो दिन तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रही उत्तर प्रदेश। ये है कि जब फेसबुक पर आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को सड़क पे चलते दिखा रहे हैं, ट्रॉली पे खेल रहे हैं, सूटकेस पे बच्चों को लद के ले जा रहे हैं, छाले हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने, जो उनका स्वभाव है मानवीय स्वभाव है, दयालु प्रवृत्ति के हैं, उन्होंने कहा है तो बड़ा अन्याय हो रहा है, तो लगता है सरकार के पास कुछ सुविधा कम हो, बहुत लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक ऑफर दी कि हम 1000 बस आपको हम नारे खर्चे पे देते हैं, लगाएंगे हम तक, ठीक है, लेकिन सर सियासत कहाँ से शुरू हुई? सियासत यहाँ से हुई जब हमने उनको 1051 बसों की लिस्ट दी। हमने वो लिस्ट इसलिए दी कि कुछ ड्राइवर बीमार हो सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उनका कोरोना टेस्ट भी होगा, किसी में गड़बड़ हो जाए, कोई बस में कोई कागज़ पूरे नहीं हो, उनमें 1032 बसें रजिस्टर्ड है, वैलिड है। उन्होंने नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि ये तो थ्री व्हीलर रजिस्टर की लिस्ट दे दी, ये तो एम्बुलेंस की लिस्ट दे दी, और राजनीति घुमा दी। और हमने मौके पे बस लेके खड़े, आप वेरीफाई कर लो, जो बसों के नंबर रोडवेज पे लेके उनकी जारी कर दी थ्री व्हीलर है। हमने देखा ये बस खड़ी है, थ्री व्हीलर कैसे आ रही है? हम तय तक गए तो वेबसाइट पे गए तो थ्री व्हीलर दिखा रहे, हमने देखा उत्तर प्रदेश की हमारी दिखा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में दिखा रहे, उत्तर प्रदेश की बस जो कोटा आई हमने उनको भी उसमें डाल के देखा, तो हमने तो 25 गाड़ी तय करी है, 5 गाड़ी उसमें थ्री व्हीलर रजिस्टर दिखा रही, जबकि बसें आई हैं। हम उस पर आरोप नहीं लगा रहे, हम कह रहे कंप्यूटर की त्रुटि को आप राजनीति कर रहे हो, ये नहीं करनी चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था कि भाई इसमें इतना है, जबकि बसें तो हमारी ज्यादा थी, हमका तो 1000 का कमिटमेंट था। आपने कहा कोटा में जिन छात्रों को यूपी की बसें लेने आई थी वो भी वेबसाइट पर थ्री व्हीलर दिखा रही है, आपके सामने टोल गेट पर उन बसों का फोटो है, नंबर है, रिकॉर्ड में है। 18-19 को 50-50 गाड़ी उत्तर प्रदेश रोडवेज की आ रही है, तो उसी लिए आ रही थी ना, बाकी तो मूवमेंट नहीं था। और वो देखिए तो कंप्यूटर में थ्री व्हीलर दिखा रही है, तो जब कंप्यूटर में उनकी रोडवेज की बस को थ्री व्हीलर दिखा सकते हैं किसी भी कारण, बस कोई गलती होगी फीडिंग में या वेब ऐप में, तो हमारियों को भी तो गलत दिखाया होगा, तो उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। ये राजनीति उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, लिखित में देते हैं, कभी कहते हैं लखनऊ भेजिए 1000 गाड़ियाँ, यहाँ चेक करेंगे, जब सरकार के नियम है, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है कि इस काल में कोई कागज नहीं चेक किया जाएगा, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मानवता लोगों को घर पहुंचाने की है, रिटर्न आदेश है ये रहे। और इसी के आधार पे हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग ने कमिश्नर ने निकाला हिंदी में, उनका अंग्रेजी में, और फिर इस तरह की राजनीति कर रहे, वो राजनीति कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे, हमारी बस। अब अभी तक ये बसों की बात है, लेकिन अब जब बात आगे बढ़ी तो छात्रों तक पहुंच गई, कोटा से जिन छात्रों को ले जाया गया था राजस्थान सरकार ने भी उनके बिल जारी कर दिए हैं यूपी सरकार। देखो बिल जारी नहीं किए, वहाँ के मंत्री ने स्पष्ट किया कि वहाँ के रोडवेज के MD ने यहाँ के रोडवेज के MD को किया, दोनों निगम है कि हमारी बसें वहाँ आ गई हैं, हमारे को पैसे नहीं है, आप डीजल डला दीजिए, और ये परंपरा है हमारी बस अगर लखनऊ जाएगी तो डीजल तो वहीं से डलाएगी ना, डीजल डला दिया। उनका 2-3 देर बाद चिट्ठी आई कि कितने पैसे का डील है, हमें बिल दे दो, इन्होंने बिल दे दिया, उसमें से 19 लाख रुपये उन्होंने RTS करके ट्रांसफ़र करा दिया, उसमें मुद्दा कहाँ है? फिर भी उत्तर प्रदेश आप कह रहे हो कि फ्री क्यों नहीं कर रहे, हम सरकार पे नहीं है, सरकार से हम नहीं कह रहे, वो निगम है इंडिपेंडेंट, लेकिन हम कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है, आप सुनिएगा, हमारे पास पैसे नहीं है हम दीजिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर उनके वो पैसे जमा करा दें, कहें तो सही। आप जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, लेकिन ये पूरी राजनीति के बीच आपको नहीं लगता कि मजदूर पिस रहा है, मजदूर को परेशानी, योगी और मोदी की वजह से पिस रहा है? आज सत्ता में कौन बैठे,
राजस्थान में गहलोत सरकार है, कांग्रेस यहां तो नहीं पिस रहे, या आप उनसे पीछे पूछिए, उनकी वजह से पिस रहे हैं, हमारी वजह से नहीं पिस रहे हैं। हम तो उनकी मदद करना चाहते हैं, जो वो लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मजदूरों की चिंता नहीं है, उनको तो राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जिस तरह का उन्होंने पहले आश्वस्त किया कि आपकी बसों को प्रवेश दिया जाएगा, बॉर्डर पर बसें भेजी गई, आपने ये कहा कि एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब एफआईआर करेंगे? ना, सारे डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। देखो, उनकी तरह झूठ बोलना हमारा काम नहीं है, हम पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, क्यों नहीं करेंगे? आप लिखित में दे रहे हो 500 बस भेज दो, आप लिखित में आदेश दे रहे हो कि कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, उसके बाद बहाना लगा कि हमारा इतना पैसा खर्च करा, मानसिक पीड़ा हुई हमको, हमारा समय खराब हुआ, तो इसलिए करेंगे, लेकिन हम तथ्यों का आधार उनकी तरह नहीं करेंगे कि गाड़ी मौके पे बस है थ्री व्हीलर का, और हमारे यूपी के अध्यक्ष को जो लोगों की मदद कर रहा 14 दिन के रिमांड पे भेजने की बात, लिस्ट में अगर कंप्यूटर से गलती हो गई उसका कसूर है? ये वो राजनीति कर रहे हैं। तो आप भगवान के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो पैदल चल रहे हैं, उनसे पूछिए कि राजनीति कौन कर रहा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जुबैर खान, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जिन अधिकारियों की ओर से कांग्रेस पार्टी को पहले लिखित में दिया गया कि कांग्रेस की बसों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा, श्रमिकों को लाने ले जाए की अनुमति देनी दी जाएगी, लेकिन बाद में उन बसों को अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी उन अधिकारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है और उसके बाद एफआईआर भी करवाई जाएगी। उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।